सो हे गाइस, एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है ना। टाइम कितना हो रहा है अभी गाइस? मॉर्निंग 2:41। अब यहाँ से हम लोग का ट्रेन है और हम निकल पड़े हैं जम्मू ही, है ना। तो ज्वाइनिंग लेटर के लिए डिपार्टमेंट का आज ही टाइमिंग था, है ना। उसके बाद सोचे लेके आज मिलेगा, उसके बाद ज्वाइन वगैरह करके वहीं से वापस लौटेंगे। यहाँ से पटना जंक्शन, उसके बाद जम्मू ही। यहाँ पर ही पढ़ा लिखा है सर जी, कर रहे हैं तो सर क्या चल रहा है अभी? लिखाई चल रहा है। लिखाई चल रहा है तो आप नज़ारा आरा जंक्शन का देख सकते हैं। तो आज फाइनली अराइव ट्रेन है ना, इसी ट्रेन से निकल पड़ते हैं आरा जंक्शन टू जम्मू ही, है ना। सर फाइनली पटना पहुंच गए हैं, है ना, इसी ट्रेन से आए हैं। और अभी यहाँ से हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ना है ना, हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस डायरेक्ट पटना से जम्मू। अभी आरा से पटना आए हैं, ये नज़ारा अभी सुबह का देख सकते हैं आप। तो बच्चा पूरे में नजारा जाएगा। पाँच नंबर प्लेटफॉर्म सर, इधर इधर यहीं से टपके ना, ये रहा पाँच नंबर 4-5। हाँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लगल है गाड़ी, जन शताब्दी एक्सप्रेस। देख लीजिए जन शताब्दी रांची पटना हावड़ा, है ना, इसी से जम्मू उतरेंगे। अब देखते हैं कितना टाइम, 3 घंटा में पहुँचा देंगे। देखिए ट्रेन में एंट्री कर गए, पूरा का पूरा सीट खाली है, क्योंकि यहीं से ट्रेन खुलती है। तो 1 घंटा पहले हम लोग पहुंच गए हैं। तो आखिरकार सर का सीट मिल गया है ना, ये बहुत देर से सीट खोज रहा था। अब मेरा भी सीट, आपका सीट ही है, कितना है? हाँ। और पूरा का पूरा बुगी खा ले। तो सर क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना सब कुछ? हाँ, एकदम सुबह सुबह टाइमिंग कितना बढ़िया सा। 2 बजे आरा जंक्शन से निकले हैं, है ना, 2 बजे तक यहाँ पहुँच गए हैं, 4:30 बजे। 5:30 बजे खुलेगी ट्रेन और बहुत बढ़िया से एकदम निकल पड़ेंगे, पूरा खाली खाली सा, कोई भीड़ भाड़ नहीं। देखिए आपको बोले थे ना कि कोई वेटिंग नहीं करना, दार्जिलिंगगुड़ी से जाते तो अभी तक पहुँच गए रहते वहाँ, वहाँ वेट करते 10 बजे तक, करते कि नहीं करते? अब डायरेक्ट 10 बजे आया, आदमी लेके आ रहे हैं, यहाँ पर रिसीव करेंगे। बारिश हो रही है एकदम तगड़ा, भाई पहुंच तक गए, भाई भेज गए, बारिश हो रही है इतना तगड़ा, क्या ही है। और देख सकते हैं नज़ारा है ना, तगड़ा गनगनाहट, बारिश हो रही है। यहाँ बहुत थोड़ा छज्जा उज्जा छतरी उतरी निकल गया, बहुत दिक्कत हुआ। एक साइड से तो कहीं पर नहीं है, तब नहीं दिया है। अब यहाँ से लोकेशन पर जाएंगे, है ना, सोने। ये जम्मू का नज़ारा है ना, आखिरकार पहुँच गए इधर आइए, वहाँ से जूम करके देखिए। और लोकेशन कहाँ पर जाना, कौन सा बिया भवन था। हाँ, तो आज फाइनली हम जम्मू तक पहुँच गए हैं और यहाँ से जाएंगे शिल्पा विवाह भवन है ना, उसी में नियुक्ति पत्र डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिया जाएगा। और ये नज़ारा, बारिश बहुत तगड़ा हो रही है जिसके कारण सभी लोग यहीं पर वेटिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल ऑटो लेते हैं, सबको और भी दोस्त वगैरह सब है यहाँ पर एकत्रित होकर निकलते हैं। और शायद यहीं से बस वगैरह ऑटो मिलती है ना सामने में। और ये रहा लखीसराय का नज़ारा, सॉरी जम्मू ही था, पीछे लखीसराय था ना, और यहीं पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया है मेरा, है ना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
आज फाइनली पहुंच गया है ना। ये रहा आपका विवाह भवन है ना। तो इधर से सभी पुराना दोस्त मिला पॉलिटेक्निक वाला है ना, कैसे है सब यार? एक एक हमको मिला कि भाई साहब कैसे रहा? सब बढ़िया रहा। एक साथ पटना में पर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड का जीरोक्स लाना है। हाँ, पहले ही पता गया। पहले ब्याह भवन का दिखा न देते हैं, ठीक है ना? तो एंट्री हाँ हमारे पास है जी। टेबल मैच करना है, टेबल मैच करना है। देखिए नाम होगा थोड़ा बता। यहाँ पर टेबल है, टेबल यहाँ पर ये भी टेबल ही है, टेबल ही है। तो आज पहले टेबल वगैरह मिला के अंदर का व्यू दिखाते हैं ना, अंदर बैठने उठने वाला है ना। आज मेरा टेबल नंबर 2 मिल गया है और आप ये देख सकते हैं किस तरह से है ना, राजस्व भूमि सुधार विभाग इस तरह से नियुक्ति पर। तब जा रहे हैं टेबल नंबर 2। ये रहा ब्याह भवन का नज़ारा, टेबल चेयर सब लगा हुआ है। तो यहाँ पर पहले वेरिफिकेशन कराएंगे है ना, एंट्री करेंगे, आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी लगेगा। अपने आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड साइन और डेट मेंशन करके ही यहाँ पे लाइन में आए, ताकि तो फाइनली चेंजिंग कर लिया है। कपड़ा वपड़ा सब भींग गया था बारिश के कारण। और ये नज़ारा देखिए ब्याह भवन का, और ब्याह भवन में यही तो फायदा है, थोड़ा पकड़िए तो, कि हर चीज़ का सुविधा है ना, खाना पीना भी सब कुछ मस्त। ब्याह भवन में है तो चलिए अब। और ये नज़ारा देख सकते हैं कितना बढ़िया सा है। विवाह भवन में याद रखेंगे कि तो अभी तक वेटिंग में लगे हुए हैं। कब तक लग रहा है कि आगे बढ़ेंगे? देखिए चेयर वाइज लाइन लगा हुआ है ना। तो भाई साहब ये भी मिल गए, दरभंगे का ही है। आप सर दरभंगे है ना? दरभंगा। आप सर दरभंगे है ना? मतलब मैक्सों को दरभंगा मधुबनी को यहीं पर भेजा। कौन कौन सा कॉलेज को आपकी डिस्ट्रिक्ट को दिया है मैक्सों? दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी। ये सर भी दरभंगे ना सर? ये भी दरभंगा, मतलब मैक्सों मिथिलांचल का यहीं पर दिया। हम भी सेम मधुबनी का भी हुए। थोड़ा टाइम लग सकता है ना सर, अभी थोड़ा चेयर वाइज लाइनिंग है, तब देखते कब तक वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद पहुँचने के बाद वेटिंग हॉल देखिए अभी प्रखंड। तो फाइनली कंप्लीट हो गया टेबल का वेरिफिकेशन, और इसमें बैठना है और हम अपना सीट नंबर चेक करते हैं कहाँ पर है ना। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बड़े कर्तव्य के माध्यम से इनका स्वागत कीजिए, तालियों बजाकर के स्वागत। चलो तो नाश्ता का लोग, अरे भाई बेईमानी हो गया ये यार, चार को तुम ये रहा मेरा है ना, और लेटरे पर सब अमन कुमार है ना, अभिषेक कुमार आनंद, जैसे समीर ट्रिपल नंबर 1 नंबर 4 पे वेट
तो भूख लगा था। कुमार 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 बेटा सुनील कुमार टेबुल नंबर चार पे हाँ सर एक मिनट, इधर दीपू भाई है जो हमको डायरेक्ट यहीं पर मिले हैं और एक साथ कॉलेज में पढ़े पॉलिटेक्निक में, और खुशी हुई कि दोनों और अपने कॉलेज से बहुत सारे बच्चा को देखे। हाँ यार पाँच छः को हम देखे, पाँच छः का है ना, गर्ल्स वगैरह भी थे, तो बहुत खुशी की बात है कि एक कॉलेज से पाँच छः का दिया है जम्मू में ही पोस्टिंग, तो अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाई खाना उना हुआ? हाँ रहना, ज्वाइनिंग कब कर रहे हैं? तो चार तारीख के कल 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 भाई। तो बस आपका भाई साहब ठीक ठाक है ना? मेरा भी ठीक है एकदम। हाँ, खाना उना खाए ना बढ़िया? मुस्कुरा रहे भाई साहब ज्वाइनिंग लेटर लेके, बड़ा खुश है अब ज्वाइन कर रहे हैं ना गवर्नमेंट जॉब अब कभी। कल पड़े रात में रहने का बंदोबस्त करने के लिए है ना, कहाँ पर रहा जाए, पानी वगैरह है भर लीजिए मेरा भी। अशोक आज फाइनली शिल्पी विवाह भवन सब निकल पड़ रहे हैं, और जहाँ पर आप तो निकलेंगे तो पटना निकलेंगे बाद कॉलेज आ रहा, हमको कल ट्राई करते हैं देखते हैं हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि अभी एक दिन रुक ही जाते हैं, इससे अच्छा है कि रुक जाएगी अपन फॉर्म हो जाएंगे। तो बस ये रहा जमुई का नज़ारा, और आज हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है ना, और यही है ना कौन शिल्पी विवाह भवन है, शिल्प है हाँ, और ये जमुई का सिटी। तो गाय अभी फिलहाल आ गए हैं बाहर है ना, और थोड़ा बहुत घूमते हैं। तो ये रहा जमुई का स्टेडियम एस के एस है ना, और ये थोड़ा बहुत बाहर निकले एटीएम के, थोड़ा कैश वगैरह निकालना है एटीएम, इस भाई साहब को कैश देना है, इसको निकालना है आ रहा, और सोच रहे हैं एक दिन रुकते हैं जो होगा देखा जाएगा। अच्छा लग रहा है जमुई कचहरी है, ये कचहरी चौक देखिए वीआईपी इलाका है शायद, इधर जिला पदाधिकारी आवास वहीं था, डीएम आवास बगल में, और ये कचहरी है क्या डीएम सर आए थे ना। हाँ तो बताए जाओ तो जमुई का, जमुई में ही अब थोड़ा ढलना है ना। अरे सामने रहा एटीएम भी है, चलिए तो भाई साहब एटीएम एक दो मेला काम ही नहीं कर रहा है ना, कैंसिल हो गया ये व्यवहार निहाल है इधर जमुई, ये फुट ओवर ब्रिज है ना, मार्केट सब तो थोड़ा व्यवहार निहाल है इधर भी है ना, तो थोड़ा कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक लग रहा है, गैस फर्स्ट टाइम है जमुई में, थोड़ा बहुत घूम ले रहा है उसके बाद तो गांव घर में घूमना पड़ेगा। ये सब होटल सब है ना आ रहे हैं। और मार्केट ठीक ठाक लग रहा है ना, तो बस यही है, अब जाएंगे देखते हैं रहने उहने का व्यवस्था, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।